बहुत जोर से धक धक कर रहा है। काहे कि अब हमको यकीन हो गया है कि तुम जरूर आओगे। अब तो ठाकुर साहब भी कह दिए हैं तुमको छुट्टी देने के लिए। जानते हो, जैसे जैसे तुम्हारे आने का बेला नजदीक आ रहा है ना, पता नहीं मन में कैसा कैसा हो रहा है। खुशी भी है और घबराहट भी। क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, मन बहुत छटपटाता है जी, और डरता भी है। झोल खा जाएगी। तुम्हें आप पतंग की पड़ी है, पता है वहाँ एक लड़की थी, बाबूजी को ना खूब धनाधन सुनाई। हाँ, कौन लड़की? पता नहीं थी, कोई कह रही थी नौकर की दुल्हन है, कोना करके आई है, लेकिन अभी तक ना अपने मर्द की शक्ल ही नहीं देखी। बाबूजी ने ना उसे कोटरिया में रखा है। तू ये सब हमको का बताती रहती है, हमें इन बात से का करना है? अब उस सबसे लेना देना नहीं है तो हमसे तो लेना देना है ना। ये बताओ हम कैसे लग रहे? बहुत अच्छे। और अब तू यहाँ से बहुत तेजी में निकल जा, नहीं तो हम। बाबा रे बाबा, जाते हैं जाते हैं, हमें तो लगा था ये पतंग उड़ाए के बांसुरी बजाए के तुम्हारा गुस्सा कम होता है, लेकिन जब गुस्सा ठंडा नहीं होता तो काहे उड़ा रहे हो ये पतंग? तो हमको एक तरफ खीरा, एक तरफ ये गुड़ और बतासे, और बाकी के सामान एक तरफ रख दूंगी, ठीक है? अब हम फटाफट बांध देते हैं। टिकट के लिए पैसा तो जुटाना ही पड़ेगा ना, जुट जाएगा तो चलेंगे। फिर हम चलेंगे बस तोरा। चलो चलो चलो। बच्चों से झूठ बोलते बोलते खुद से ही घिन होने लगी। आखिरी पाप के बोझ को कब तक और कहां तक धोते रहेंगे? जी आज तो तुम बहुत ही खुश हो, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। अब हमको मिल जाएंगे तो खजाने ना मिल जाएगा। एगो काम कर दोगी हमरा? का?
एगो कहीं से ढीबरी का जुगाड़ कर दोगी? ढीबरी यह रोशनी ये नहीं है। वो आएंगे तो हम उनका मुंह कैसे देखेंगे? कुछ करो ना, उनको भी तो रोशनी का जरूरत पड़ेगा ना हमरे लिए। हाँ हाँ काहे नहीं, हम जरूर लाएंगे तुम्हारे लिए डिबरी। ठीक है हम चलते हैं। हाँ काहे देख रही है? आपने झूठ बोला था ना बाबू। कैसा झूठ? आप लाली तितिया के लिए कलेवा नहीं लेके जाएंगे ना? इस सब फालतू का बात कहाँ बोल रही है तू? उल्टा पुल्टा किसने कह दिया तुमको? हम तो जा रहे हैं ना ललिया के पास कलेवा लेकर। फिर आप माई से क्या बोल रहे थे? देख रेखा, मुन्ना और लवली अभी छोटा छोटा है, वो सब समझेंगे नहीं। लेकिन तू अब समझदार हो गई है ना, हम सबका बस का किराया बहुत ज्यादा हो जाएगा, कहां से जुटा पाएंगे? इसलिए हम सोचे हैं सबको ना ले जाकर अकेले चले जाए। देखा बेटा, मुन्ना और लवली को समझा लेगी ना? आखिर का कीजिएगा इतना पैसा जमा करके? बाद में कोई खाने वाला भी तो होना चाहिए ना, वाला भी तो होना चाहिए ना। अब आपके बेटों के बाद है कौन जिसके लिए जमा है? कौन जिसके लिए जमा है? आपके घर में पुत्र योग है, अगले साल इस घर का तिराज आवेगा आवेगा। का ठाकुर साहब, यह कमजोर मिला था अपना बहादुरी दिखाने के लिए। डर नहीं लगता तुझे कभी? दिन रात जान प्राण हथेलिए पर लेकर चलते हैं। मालिक, आपका मन में जो हलचल हो रहा है ना, हम समझते हैं। आपका सोच रहे हमें पता है, का इससे कि बड़ी दुनिया देखी है हम हो। मर्द के मन का था, कई बार डुबकी लगाने से भी नहीं पता चलता, और कई बार तो किनारे पत्थर भी फेंको तो जुआर उठने लगता है। छोटी मोर बड़ी बात मालिक, लेकिन आप जो करने की सोच रहे हैं ना, वो ठीक नहीं है। गाय भैंस का थन में और आदमी का दिमाग में अंतर होता है गंगिया। दिमाग में दूध नहीं खून उतरता है, यही लिए हमारे दिल और दिमाग की फिक्र छोड़ो। हेलो, दूध और दही का चिंता करो। वो कहे कि बिल्ली सुराही में मुंह डाले तो गर्दन फंस जाती है। सुमित्रा कहाँ है? बड़ी ठकराइन अपना कमरा में है। जाकर रणविजय और शेखर को हमारा कमरा में लेकर आओ।
लड़की के ससुराल फल फूल लेकर जाते हैं लड़की का हालचाल और कुशल क्षेम जानने के लिए। बाबू कलेवा तैयार हो गया, अब दीदियों के पास कब जाएंगे? किसने कह दिया तुमको? किसने कह दिया तुमको? हम तो जा रहे हैं ना ललिया के पास, कलेवा लेकर। हम सबका बस का किराया बहुत ज्यादा हो जाए। ये हम सोचे हैं सबको ना ले जा अकेले चले जाए। बस्तौरा जाने वाले थे ना बाबू? दीदी का कलेवा कुएं में काहे फेंक दिया? बिटिया, हम तुमसे कुछ बताना चाहते थे लेकिन बता नहीं पाए। मुन्ना लवली साथे थे ना उली, और समझते नहीं मजबूरी का चीज का करे। बहुत कोशिश किए बस्तौरा जाए खातिर, बस का टिकट ना ही जुटा पाए, भाड़ा बहुत बढ़ गया। लेकिन तुम चिंता मत करो, और भी तरीका है कलेवा पहुंचाने का। अगर कोनो वजह से कोई रस्म पूरी ना ही होती है ना, तो लोग सब सामान नदी कुआं में भगवान जी के नाम पर डाल देते हैं। किया हमने से हर जगह पसर के मत पड़े रहा कीजिए। पता है ये हमरे बाबू ने हमरे माई को तोहफा में दिया था, तुम हमको क्या दोगे? ये मत, कुछ नहीं देंगे तब वो चलेगा। माई कहती थी मर्द औरत के पास हो यही उसके लिए सबसे बड़ा तोहफा है, और हमको भी आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए।
चबाइए। संध्या पूजा करना है, दिया जलाना है। दिया जलाने के बारे में सोच रही हैं? दिया जलाने वालों के बारे में नहीं सोचेंगी? ये मिट्टी का दिया से कब तक रोशनी करेंगी? हम कुलदीपक के बारे में बात कर रहा हूं, जो हमारे बाद भी हमारे खानदान इस हवेली को हमेशा रोशन रखेगा। आदमी का रहने वाली जगह मां चमगादड़ों का वास होगा। क्या हुआ बाबूजी? हमने तय किया है कि इस घर में बारिश कैसे पैदा होगा। हम कुछ समझे नहीं। आपसे ज्यादा इनका समझना जरूरी है। आप झूठे अपना माथा मत फोड़िए। वो जो कोठड़ी में लड़की है वो पैदा करेगी सवेली का बारिश। सदमा तो नहीं लग गया आप लोगों को? बहुत सदमा खाने के बाद हमने ये फैसला किया है। वो कोठड़ी वाली लड़की अच्छी है, बहादुर है। ठाकुरों को ऐसी लड़की ही चाहिए। छोटी फीता झुमका बाली वाली नहीं। उससे जब बारिश पैदा होगा बहादुरी होगा। लेकिन ये काम करेगा कौन? करेगा कौन? कोई जवाब नहीं देना चाहता। दी हुई जिम्मेदारियों से कब तक नजरें चुराओगे? इसे देखो कैसे तैयार खड़ा है। लेकिन ये जिम्मेदारी तुम्हें पूरी करनी, तुम्हें पूरी करनी। पंडित जी ने जिस पुत्र योग की बात की है वो सिर्फ शेखर की कुंडली में है।